जीवाणा से यात्रा के किसानों ने बिजली संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, जताया आक्रोश। जीवाणा सहायक अभियंता क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था की बदल व्यवस्था को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले ग्रामीणों व किसानों ने जीवाणा सहायक अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर समस्या समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ के सदस्य ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा किसानों को राज्य सरकार की मंशा के अनुसार बिजली सप्लाई नहीं की जा रही है। वहीं किसानों के ट्रांसफार्मर जल जाने पर नियमानुसार 72 घंटे में किसानों को ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाने के निर्देश हैं, लेकिन सहायक अभियंता कार्यालय जीवाणा के किसानों को 20 से 35 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते किसानों के खेत में खड़ी अनार की फसल नष्ट हो रही है। वहीं अभी रबी की बुआई की सीजन चल रही है, ऐसे में करीब महीने भर तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलने से पैदावार से किसान वंचित रह रहे हैं। इस दौरान मौके पर पहुंचे अधिशासी अभियंता गोपाल राम ने ग्रामीणों व किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अधिशासी अभियंता एवं जीवाणा उप तहसीलदार बाबूलाल सोलंकी को 7 दिवस में समस्या समाधान नहीं होने पर किसान संघ ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर विरोध करने की बात कही, जिस पर अधिशासी अभियंता गोपाल राम तय सीमा में समस्या का समाधान कर उचित समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान दूधवा सरपंच प्रतिनिधि सांवला राम, जीवाणा किसान संघ के अध्यक्ष नैनाराम जाखड़, सायला अध्यक्ष भवरलाल राजपुरोहित, हीराराम सौंदरी, नारायण सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष तुलसाराम सौंदरी, जसराज सिंह, जयमाराम, रामाराम आलवाड़ा, नरिंगाराम दूधवा, छमनाराम, हिमताराम आलवाड़ा व मूलाराम सहित कई किसान मौजूद रहे। किसान संघ के जीवाणा तहसील अध्यक्ष जी और जनप्रतिनिधि सरपंच हजाराम जी, कमला राम जी, तहसील अध्यक्ष तलसाराम जी और सभी किसान भाई पधारे हुए। आज मैं सब जना भेड़ा हुआ हूँ और आज की बैठक अनहरू राखी है कि किसान और हरी समस्या है। ट्रांसफार्म जले हुए बीबी महीना तक नहीं मिलता। जन किसान भाइयों ने डिमांड भरिया था, बारह बारह महीना डेढ़ डेढ़ साल हुई, आज दिन तक वह किसान और कलेक्शन चालू नहीं हुआ और घरेलू कलेक्शन